जय हिंद दोस्तों, मैं प्रणव कुशवाहा। आज आप लोग के लाया हूँ टॉपिक ड्यूटी यानी डायरेक्शन ट्रेनिंग दिशा प्रशिक्षण। हम आप लोग से पहला क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताइए कि मैप में सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है या ईस्ट होता है? कमेंट करके बताइएगा। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मैप में सर्वप्रथम सबसे ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, और जो हमारे दाहिने होता है ईस्ट हो जाता है, और जो नीचे होता है वो साउथ होता है, और जो बाएं होता है वो वेस्ट होता है। अर्थात इसे उत्तर बोलेंगे, इसे पूर्व बोलेंगे, और इसे दक्षिण बोलेंगे, और इसे पश्चिम बोलेंगे। ये तो सब जानते हैं, पर आप लोग कुछ खास सीखिए। अब ये बताइए कि नॉर्थ कितने डिग्री पे होता है? ऑप्शन 360, जीरो, दोनों। ठीक है, सही है, दोनों होगा, जीरो डिग्री भी होगा और 360 डिग्री भी होगा। ठीक है, यहां से हम टर्म लेते हैं, एक सर्किल आते हैं 1/4। तो ये बताइए कि अब ये ईस्ट हो गया, यानी ईस्ट हमारे कितने डिग्री पे आएगा? 90 या 180? ठीक, 90 डिग्री पे आएगा। कितने डिग्री पे आएगा? 90 डिग्री पे। फिर हम दो सर्किल आते हैं यहां पे, अब ये बताइए साउथ कितने डिग्री पे आएगा? 180। ठीक, और ये हो गया हमारा 90 और ये हो गया 90, दोनों मिलके 180 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, अब ये तीनों सर्किल ले लेते हैं। ठीक है, 90 90 90 कितना होगा? मतली 27, अर्थात 270 डिग्री। वेस्ट हमारा कितने पे है? 270 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि दिशाएं चार बड़ी होती हैं, बाकी अभी चार छोटी भी होती हैं, यानी टोटल दिशाएं आठ होती हैं। तो अब इसमें से हम चार और दिशाएं निकालेंगे। अब इसको कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, और इसको कहेंगे कि ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ, और इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इसको बोलेंगे वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ। अब ये कितने नॉर्थ और ईस्ट कितने डिग्री पे आता है? तो ए आएगा 45, हाफ कर देंगे, दोनों मिलके हो जाएगा 90, तो हाफ 90/2 करेंगे तो 45 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया ईस्ट और साउथ, कितने डिग्री पे ये होगा? 90 है, 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा 90 में 45? डिग्री हमारा है ईस्ट, और उसमें 45 डिग्री जोड़ते हैं तो 135 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ईस्ट और साउथ। ठीक, अब यहाँ पे साउथ और यहाँ पे साउथ और वेस्ट है, तो ये कितने डिग्री पे होगा? तो 180 में 45 डिग्री जोड़ देंगे तो हमारा 225 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आएंगे वेस्ट और नॉर्थ, तो इसमें भी 270 है, तो इसमें 45 डिग्री जोड़ेंगे तो 315 यानी 315 डिग्री हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट, किसी भी मैप में कुल कितनी डिग्रियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी भी मैप में टोटल डिग्री कितनी होती हैं? तो 360 डिग्री होती हैं। कितने डिग्री होती हैं? 360 डिग्री होती हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।